एक जरूरी चीज़ है कि आप रेगुलर टीकाकरण करते हैं, वो टीकाकरण यदि टेम्परेचर बहुत कम है तो ऐसे सीमा में अवॉइड करें ताकि इसको स्ट्रेस ना होगा, क्योंकि यदि वैक्सीनेशन कहते हैं कि सनलाइट अच्छा हो वैसे दिनों में वैक्सीनेशन करना चाहिए, यदि सनलाइट पर्याप्त नहीं है तो आप वैक्सीनेशन को अवॉइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप इसको एक संतुलित आहार दें। सुविधाजनक हाउसिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ है तापमान का नियंत्रण करना, वो आप अलग से हीट सोर्स का इस्तेमाल करके हीटर या इनकैंडेसेंट बल्ब दे करके आप कर सकते हैं। 200 वाट बल्ब लगा देंगे तो कम से कम 100-150-200 मुर्गियों को तापमान मिल जाएगा। इसके बाद ज़रूरी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, इसमें जो आर्द्रता है वो 60-70 के रेंज में होना चाहिए। यदि आर्द्रता अधिक होगी तो नमी बढ़ जाएगा, बेडिंग मटेरियल जो आप बिछाली प्रणाली में इस्तेमाल कर रहे हैं वो गीला हो जाएगा, फिर वहाँ से रोग बढ़ने लगेगा। इसलिए आर्द्रता का एक नियम 60-70 का रेंज जो है वो मेंटेन होना चाहिए। अगर कभी कभी लोग हीट सोर्स के रूप में कुछ जला देते हैं तो वो सीमित मात्रा में होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप जलाते हैं, चाहे वो वायल हो चाहे कोयला हो जो भी चीज़, तो धुआं निकलेगा, तो धुआं निकलने के लिए आपके घर में वेंटिलेशन में इतना जगह होना चाहिए कि फ्रेश एयर अंदर आता रहे। वेंटिलेशन इसको बहुत ज़रूरी है, अगर वेंटिलेशन पुअर होगा निश्चित रूप से इसको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी किसी हीट सोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉपर वेंटिलेशन को मेंटेन रखें।